भैया आप समी का फ्रेंड है और समी पर आरोप भी है, इस आरोप पर जो है समी को क्या डिस्टर्ब नहीं करेगा इस मैच में? देखिए सबसे पहले तो आरोप को पहले साइड में रखिए, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है पूरी इंडिया टीम, मैं उन लोगों को सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहूँगा जिस तरह से इस बार वर्ल्ड कप खेला है। बहुत ही सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम को रोशन किया है। जो इंडिया टीम है वो पूरे वर्ल्ड में पूरा छाया हुआ है। अभी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ी अभी फॉर्म में हैं, और जिस तरह से यहाँ पर समी साहब की बात की जाए, समी साहब का मैं बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, जिस तरह से उनको दो तीन मैचों में जो बैठा दिया था उनको, लेकिन वो इसमें रिदम में था, लेकिन फिर भी उनको बैठा करके शार्दुल ठाकुर को जगह दिया था, लेकिन किसी तरह से हार्दिक पांड्या फिट नहीं रहने के कारण उनको इंडिया टीम में जगह मिला। और वो जब पहली बार जब इंडिया टीम में वर्ल्ड कप खेला तो 5 विकेट लिए, तो अपने आप में काफ़ी गर्व की बात है, ख़ासतौर से समी के लिए। जिस तरह से समी साहब ने इंडिया टीम के लिए खेला और अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, आज उसी का देन है मोहम्मद समी का। हालांकि सारे खिलाड़ियों का देन है जो आज फाइनल में जाकर पहुंचा है इंडिया टीम, लेकिन ख़ासतौर से मैं स्पेशल मोहम्मद समी को मानता हूं, जिस तरह से बॉलिंग किया है। कई वर्षों से ये समस्या था पूरे टीम में कि बॉलर की कमी है, जिस तरह से सिराज हुआ, उसके बाद हार्दिक पांड्या तो उनको चोट लग गए हैं, लेकिन बुमराह जिस तरह से अभी गेंदबाजी कर रहे हैं और मोहम्मद समी, तो काफ़ी काबिल तारीफ है। सभी इंडिया टीम को बधाई देना चाहूँगा फिर से मैं। और जहाँ तक समी साहब पर जो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से उनको हरेसमेंट किए और उन पर आरोप लगाए, कहीं ना कहीं इंडिया टीम से उनको बाहर करने की कोशिश किए, साजिश किए, लेकिन आज उनका परफॉर्मेंस देखकर वो खुद जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद घिर चुके हैं, सवालों के अंदर घिर चुके हैं, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं और आज जवाब नहीं दे पा रही है। क्या आज का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? आप मेरे हिसाब से आज समी बेहतरीन खेलेंगे, क्योंकि लगातार वो खेलते आए हैं और पूरा फॉर्म में है। मुझे उम्मीद है कि आज भी मोहम्मद समी जो है 5 विकेट लेंगे। उसकी बीवी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है, और ख़ास तौर पर ये जो इस बार जो वो 7 विकेट लेने के बाद फिर से सोशल मीडिया में एक्टिव हुए और मीडिया लगातार उस चीज़ों को फोकस करता रहा, क्या मानी रखता है कि इस पर जो है कहीं असर नहीं पड़ेगा समी पर आज? देखिए हसीन जहां जो है वो खुद उनका जो बयान है वो खुद एक बयान पर वो कायम नहीं है, उसका अलग अलग बयान आते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि उनका बहुत बड़ा साजिश था, उसका ये एक प्लान था कि मोहम्मद समी जो है इंडिया टीम से ना खेले, लेकिन जिस तरह से वो मोहम्मद समी परफॉर्मेंस किए हैं आज उन पर उंगली तो क्या आँख उठाने का हिम्मत नहीं करना चाहिए। जिस तरह से गलत जो शब्द का यूज़ कर रहे हैं हसीन जहां, वो उससे पहले मोहम्मद समी से पहले उनका दूसरी शादी है मोहम्मद समी के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि मोहम्मद समी को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश में है। आज कोई फर्क पड़ने वाला है मोहम्मद समी? आज उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोहम्मद समी और हसीन जहां आसमान जमीन का फर्क है। आपका शकल उनसे मिलता जुलता है मोहम्मद समी का, कितने दिन से उनका फॉलोवर्स है? मैं बहुत दिन से उनका फ्रेंड हूं और आज भी मैं उनका फ्रेंड हूं। मैं दुआ करता हूं कि आज भी उनको 5-5 विकेट मिले और इस फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद समी साहब रहे। समी का सबसे ज्यादा आपको पसंदीदा चीज क्या लग रहा है? समी साहब बहुत कूल आदमी है, जब वो बात करते हैं काफ़ी धीरज रखते हैं और सभी खिलाड़ियों से बहुत ही रिस्पेक्ट साथ बात करते हैं, और उनके अंदर सबसे पहली बात की भेदभाव नहीं है, काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, ऊंचे लेवल के खिलाड़ी हैं मोहम्मद समी साहब। ये वो उसका अंग्रेजी आपको याद है, वो किस अंदाज से बोलते हैं, मजबूत है उनका? देखिए अभी देखिए वो लोग बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कभी कभी जो है खिलाड़ी जानबूझकर कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, क्योंकि कॉमेडी स्टाइल में, ताकि लोग जो है इंटरटेनमेंट करें। शायद ये भी हो सकता है कि मोहम्मद समी साहब इंटरटेनमेंट के लिए अंग्रेजी इस तरह से बोले हैं। मैच शुरुआत होने से पहले हसीन जहान के लिए आपको क्या मैसेज है? मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि हसीन जहां गलत है और मोहम्मद समी जो है अपनी जगह में सही है, इसलिए आज जो है कामयाबी उनकी कदम चूम रही है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उस पर कौन उंगली उठाते हैं कौन नहीं उंगली उठाते हैं। उनके जैसा लाखों करोड़ों फ्रेंड है मोहम्मद समी साहब का, और मैं उनको भरपूर दिल से सपोर्ट करता हूँ, सारे इंडिया टीम को सपोर्ट करता हूँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू कमाल है।
ती बोल बो क्या होने वाला है या कुछ नहीं टॉस जीत के क्या करना चाहिए यहाँ बोल दे यार।